चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। मरसू खा रही, देखो मरसू का पेड़ है ना। साफ सफाई हुई थी सुबह सुबह, यहाँ दो तीन बार इधर धुल जाएंगे। हमको यहाँ पे कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, काफी टाइम से। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ चीज आ रही है भाई स्पेशल। तो लो भाई, सुबह सुबह काम चल रहा, देखो आज तखड़ा वाला काम ही चल रहा भाई। ये देखो इधर पानी पानी लगा जाए, पूरे खेतों में पानी जा रहा है। जिधर वो हो रही ना भिंडी, उधर भिंडी हो रही है, इधर घास हो रहा है, उधर भी घास हो रहा है, उधर भी घास हो रहा है, ये पानी आ रहा है चारों तरफ से, पानी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है चारों तरफ से। ये देखो जा कहाँ रहा है ये, ये देखो इस खेत से होते हुए घास की तरफ होते हुए और वहाँ पे पापा काम कर रहे हैं, वो तो डॉल बना रहे हैं उस साइड से, और उधर पानी जा रहा है। यहाँ बो दिया क्या सर मरसू? यहाँ भाई ओगल बो दी, देखो तभी इस तरह से। कल यहाँ देखा होगा ना पिछले ब्लॉग में, यहाँ पर खोद रहे थे दो बंदे, तो आज हमने लगा भी दिया। यहाँ उधर भी बो रहे, उधर क्या बो रहे हो है? हल्दी? तो भाई वहाँ हल्दी लग रही है हमारी, घास है दोनों, घास और हल्दी दोनों लग रही है वहाँ पे। देखो उधर भी पानी डाल दिया, देखो वहाँ पे साइड पे। और ये भाई सुबह सुबह नहा गए, मरसू खा रही, देखो मरसू का पेड़ है ना वो खा रही। ओए यार देखो, हेलो हेलो, उसकी मम्मी। ओ भाई कितना डर रहा है, ओ अरे डर गो रहा है। और ये बैंगन का पेड़, काफ़ी बैंगन आने लग गए भाई इसमें भी, ये भी है, इधर भी हो रहे, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब तो सही हो गया पेड़, पहले बेकार हो गया था ना, अब सही हो गया गर्मी के टाइम पे। तो गाइस अब चलते हैं घर के अंदर। ये देखो यहाँ मम्मी लगी है साफ सफाई करने पे। हेलो दगड़ियों, साफ सफाई हुई थी सुबह सुबह, थोड़ी देर में धूप पे जा दी, फिर कते नहीं होने काम, इसलिए सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सफाई कर लो। तो गाइस सुबह सुबह भाई मैंने काम निपटा दिया है, काम तो क्या निपटा दिया, दो दिन से निपटा ही रहा हूँ, मगर आज फाइनली पूरा हो चुका है, घर का ही काम है। ये देखो ये दीवार है ना, ये दीवार पूरी फुल गई थी यहाँ से यहाँ तक और इधर भी, मगर मैंने ये आज मतलब दो दिन से मैंने पहले इस पर मैंने पुट्टी की सफाई करके, और उसके बाद मैंने आज इसमें मैंने कंप्लीट पेंट कर दिया, सुबह सुबह भी करा और घर के बाहर में भी ऐसे हो रखा था, वो भी मैंने अभी मतलब उसमें मैंने थोड़ा सीमेंट लगा के और उसके बाद मैंने उस पर पुट्टी कर दी थी। पेंट अभी एक आध दिन के बाद होगा, क्योंकि मैंने आज ही करा तो वो सूखेगा, एक आध दिन तो लगेगा ही सही होने में, तो उसके बाद करूँगा अगले दिन पेंट करूँगा। ये देखो ये पेंट ले गया था मैं, ये एक ऑरेंज और एक ग्रीन। तो भाई ये देखो ये कर रखा मैंने बाहर पे, देखो यहाँ कर रखी है मैंने पुट्टी, ऐसी मैंने अंदर की थी, देखो साइड साइड पूरा फूल चुका है, देखो ये नीचे वाला ना ये पूरा फूल गया था, ये पूरी साइड फूल गई। ओ भाई ये तो देखो अभी अभी लगी, मेरे हाथ में लग गए, देखो फूल गया था, देखो अब ये छोड़ा हुआ है, पुट्टी कम पड़ गई थी, ये बाद में देखेंगे। ये देखो पूरा साइड और का, देखो ये पूरा और आगे तक और रखा, ऐसी कहीं कहीं तो ऐसा निकाल रखा, देखो अभी ये छोड़ा, जब पूरा सामान आएगा ना और तभी जाके आगे काम होगा, नहीं तो अभी मैंने छोड़ रखा पानी डाल के, जब वो सिलन आ जाएगी ना थोड़ी उस पर तो पुट्टी बढ़िया से लगेगी। अभी इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है पूरा, थोड़ी बहुत पुट्टी थी तो मैंने ऐसे इलाकों में लगा दी जहाँ पे हल्का छिला हुआ था, मैंने वहाँ लगा दी थी। और ये देखो भाई आम के पेड़, ठीक है तो जितने आम लगने रहे अपने नीचे झड़ गए, देखो यहाँ पूरा आम ही आम हो गए, देखो टीन के ऊपर अब इतने लगे हुए थे सारे नीचे झड़ चुके हैं सारे, ज़्यादा 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 तूफान से सारे झड़ गए हुए हैं से ज़्यादा, बाद में अभी तो छोटे छोटे हैं, बाद में जब बड़े होंगे तो फिर और झड़ जाएंगे, मतलब ये है कि 100 हैं तो सिर्फ 20-30 बचेंगे, सब ख़त्म। अब कुछ कीड़े चेपा लग जाता पूरा पेड़ों में, ये देखो कम हो गए, उसमें भी झड़े इसमें भी झड़ गए, देखो कैसे हो गए, गंजे हो गए, देखो पेड़ कैसे हो गए, देखो टैन ही है ना, देखो। और गाय को भी यहाँ पे हम नहला रहे हैं दोनों को, इसको तो नहला दिया छोटे वाली को, बड़ी वाली की बारी है। तो गाइस अब आ चुका हूँ मैं भाई ऊपर वाले घर में पुराने वाले पे, तो भाई यहाँ पर देखो मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे देखो हमने ये रखे हैं, देखो गेहूँ, ये देखो यहाँ पर रखे हमने गेहूँ, तो उसकी झड़ाई झड़ाई होती है ना, तो हमने अभी नए नए ले रखे हैं, तो अभी वो नए आ रखे हैं, ये देखो नए नए हैं, तो अभी उसको हम धो रहे हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये भाई ये पिसने जाएंगे चक्की में, तो वहाँ से फ्रेश आटा बन के आएगा। ये कच्चा था देखो, अब कुछ हमने यहाँ बिगा दिया, देखो चारपाई में डाल के, ये देखो देखो इसमें कितने सारे भूसा है, देखो देखो मिट्टी भी है, मिट्टी मुट्टी सब, इसलिए मैंने बोला नहीं कि जैसे हम फ्रेश लेते हैं ना धोना भी जरूरी रहता है बनाने से पहले, मतलब जब इसको हम चक्की में देंगे ना उससे पहले, ये देखो ये देख रहे हो ये डल्ले हैं, देखो उसके
मिट्टी के डल्ले हैं, देखो इतनी सफाई हो गई ना यहाँ डाले, फिर इसकी दोबारा सफाई होगी, तीन चार बार होगी तब जाके वो उधर जाएगा सूखने के लिए, उसके बाद पीसने के लिए तैयार हो जाएंगे देखो। और गाइस ये देखो एक चीज़ और, ये देखो कितने सारे पेड़ लगे ना हमारे, काफ़ी टाइम से ये था हमारे, बरसात से ही है ना पेड़ याले टमाटर के, भाई ये ख़राब भी नहीं हुए ना, ख़राब भी नहीं है पेड़ है ना, काफ़ी टाइम से ऐसे लगे हुए हमारे पेड़ ये हैं। हाँ तो भाई हमको यहाँ पर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये काफ़ी टाइम से ऐसे के ऐसे हैं, कभी मतलब जैसे बरसात के मतलब ठंड के टाइम पर थोड़ा सूख गए थे ना, अब गर्मी पड़ गई हल्की फुल्की बारिश पड़ी बीच में वो फिर हरे हो गए, ये देखो इसमें ना छोटे छोटे वाले टमाटर हैं, वो छर्रे वाले होते हैं ना, ये देखो बहुत सारे हैं इसमें पके हुए है ना, ये देखो भाई छोटे छोटे वाले देखो, ये रे बहुत सारे इसके अंदर तक ना, क्यों देखो कुछ ना ख़राब भी हो गए इसके कारण, मतलब बहुत सारे उस इलाक वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ये टमाटर ना ज़्यादा कर उसमें जैसे भात में खाओ ना सूप बना के इसका मस्त बड़े होता है, वो बड़े वाले से अच्छा होता है छोटे वाले का सूप। तो गाइस सोच रहे थे भाई इसको चावल के साथ इसका सूप बनाया जाए, मतलब बढ़िया होता है मस्त, तो बनाएंगे इस बार देखेंगे, काफ़ी हो चुके हैं है ना, इसका ये छोटे वाले छर्रों का ना ज़्यादा पानी होता है इसमें, तो मज़ा आएगा इसको बनाने में भी, थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है तो बढ़िया होगा। और इसको देखो ये देखो गेंडा स्वामी को, ये देखो कैसे जा रहा है कीड़ा गेंडा स्वामी। फाइनली गाइस यार नाश्ते का टाइम हो चुका है, और ये भाई ये देखो ये रात की ये क्या थी टिंडा, तो भाई ये रात की देखो टिंडा है ठीक है, और ये अचार हो गया नींबू का, और ये अपनी भाई रोटी घी वाली रोटी है तली हुई। तो भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं, तब मिलता है आपसे थोड़ी देर के बाद। तो भाई सब हो चुका है भाई दिन का टाइम, और दिन के बज चुके हैं इस टाइम पर डेढ़, मेरी लग गई थी हाँ अभी अभी खुली नींद आ गई तकड़ी वाली। तो अब क्या है दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और बन क्या रही है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था ना टमाटर, ये देखो इतने सारे तोड़ के लेके आए छोटे वाले छर्रे वाले, शायद आज इसकी बनेगी झुल्ली ठीक है, इसकी बनती है झुल्ली, आई बनाएंगे थोड़ी देर में इसका साग, टमाटर को टमाटर का टमाटर का साग बनेगा, देखते हैं फर्स्ट टाइम है ना, देखते हैं भाई कैसा बनता है। तो गाइस अभी मैं अपने ऊपर वाले घर पे खड़ा रहा हूँ, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कुछ चीज़ आ रही है भाई स्पेशल, क्या चीज़ है मैं अभी बताने वाला हूँ, किसी चीज़ में लोड होके आने वाली है तो अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा देर उन्होंने अभी फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, चलो वेट करते थोड़ा देर, जब आती है तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तब तक ये देखो ये सामने देखो हमने गेहूँ सुखा रखे हैं देखो, जो हमने सुबह धोए थे ना। तो गाइस जिस चीज़ ने आना था ना वो बंदा क्या इधर से आया अपने इस साइड से आया, और उस साइड चले गए नीचे के लिए, क्योंकि वो पिछले बार भी आया था ना, पिछले बार वो मैंने कैंसिल कर दिया था ना किसी कारण, मगर वो भाई उसको पता होने के बाद वो निकल गया। ओ देखो वो आ गया, देखो ये आ गया वहाँ पर हाथी आ गया, देखो यार इसमें आ रहा है मेरा माल अभी। देखो तो भाई जो चीज़ मैंने मंगानी थी ना वो चीज़ अब आ चुकी है, ये देखो थॉमसन टीवी ठीक है, तो ये मैंने ना वैसे मैंने पहले ही मंगाई थी, मगर उसमें कुछ मतलब कार्ड की दिक्कत आई थी तो मैंने वो वापस करवा दी, आई वी टीवी मैंने वापस करवा दी, अब ये आ चुकी है, ये मुझे पड़ गई थी 10,000 की, बाहर से तो सस्ती पड़ी, मगर यार हाँ जो हाँ पहले वाली टीवी हमारी ये थी वो ख़राब हो चुकी थी, उसका पैनल ही शॉर्ट हो गया पूरा ख़राब हो चुका है, तब ये नई मंगाई आज आई गई फाइनली दूसरी बार। ये है टमाटर का साग झोली, देखो बढ़िया से बन गया ना फर्स्ट टाइम है, पहला बार हमारा, चेक करा क्या चाक के, तो भाई देखते कैसे मतलब दिखने में तो मस्त लगा, देख कर खाने खा के पता चलेगा। और ये हमने पत्ते डाले थे देखो इसमें, ये देखो धनिया के, तो पता चलेगा स्वाद का कैसे है, क्योंकि अब हमारा ये फर्स्ट टाइम है पहली बार बना रखा होगा तो बढ़िया वैसे, मगर देखते हैं कैसा होगा। कुछ ये रहे देखो टमाटर बचे गए, ये देखो ये कुछ ये बचे गए देखो, वो लग रहा है ना उसकी तरह स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे भाई वो, तो चलो भाई इसको अब खाने पीने की तैयारी करते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसा बन रहा है ये। तो चलो भाई अपना खाना आ चुका है देखो, साग भात और ये खीरे, तो चेक करता हूँ और बताता हूँ भाई कैसा है। मस्त भाई, पहली बार है साग टमाटरों का, वो भी छर्रे वाले वो ला ले, मगर लाजवाब मस्त हो रखा भाई, ट्राई करना आप लोग भी, बढ़िया बनेगा। तो चलो भैया अब हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के बज चुके हैं इस टाइम पे 6, और मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे मार्केट, जो मैंने सुबह रिपेयरिंग करी थी ना पेंट किया था पुट्टी की थी, तो थोड़ा सामान हॉल लेके आना है, पेंट और पुट्टी थोड़ी हॉर, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं अरसाई का चारा, तो चलता हूँ भाई मार्केट और सामान लेके आते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम पे मार्केट पे, मैं और कुलदीप भाई, ये देखो पीछे म्यूजिक चल रहा है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट आएगा यहाँ पे ना,
ये पेंट की दुकान है यहाँ पे, कृष्णा पेंट। यहाँ पे पेंट पुंट बनवा रहा हूँ मैं अभी। और ये सामने झंडा चौक, ये देखो मस्त।